नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आप पहली बार आईफोन को यूज कर रहे हो, अब तक आपने एंड्रॉइड फोन्स को यूज किया था और आप पहली बार स्विच हुए हो आईफोन पे, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से अपने आईफोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो, और किस तरह से अगर आपके आईफोन को आपको रिस्टार्ट करना हुआ तो आप रिस्टार्ट भी कर सकते हो। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से आप अपने आईफोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। स्विच ऑफ करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जो है, आपको साइड बटन मतलब पावर बटन और ये वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखिए और यहाँ पे इस तरीके का यूआई आपको दिखाया जाएगा। यहां से आप SOS इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको करना हो पावर ऑफ तो आपको यहाँ पे इस बटन को यहाँ पे राइट में स्लाइड करना है और आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ये था पहला तरीका। दोस्तों, दूसरा तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस बार आपको वॉल्यूम अप के प्लेस पे वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखना पड़ेगा पावर बटन के साथ। तो हम इस बार यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा वही सेम ऑप्शन, और आप यहाँ पे स्लाइड राइट करके अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों, मान लो आपका फोन स्विच ऑफ है और अगर आपको स्विच ऑन करना हुआ तो आपको ओनली साइड की पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है 4 सेकंड के लिए, और जब एप्पल का लोगो आपको दिखाया जाएगा तब आपको अपनी जो उंगली है छोड़ देनी है बटन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से आप अपने आईफोन को पावर ऑन कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो। दोस्तों, अब देखते हैं अगर आपको अपने आईफोन को रिस्टार्ट करना हुआ तो किस तरह से आप रिस्टार्ट कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के आपके आईफोन में दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है, आपको वॉल्यूम अप को प्रेस करना है, छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके छोड़ देना है, और फिर एंड में आपको जो साइड की है उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक कि आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होती तब तक। तो आप देखोगे ये प्रोसेस आपको क्विकली करनी पड़ती है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पे साइड की पे, और यहाँ पे इस तरीके से आपको ये यूआई आएगा और आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक कि आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं हो जाती तब तक, और फिर आपको अब उंगली छोड़ देनी है तो आपका जो फोन होगा अब यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक आसान तरीका चाहते हो रिस्टार्ट करने के लिए तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। आपको इतना सब करना नहीं पड़ेगा रिस्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको असिस्टिव टच को इनेबल करना है। तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, फिर आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी में, और यहां पे आपको जाना है टच में, और यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन सबसे पहले असिस्टिव टच का, आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन करना है, और यहां पे कस्टमाइज टॉप लेवल मेनू इस पे टैप करना है, और आपको यहां पे ऐसे 6 बटन दिखाए जाएंगे। आपको जिस बटन पे रिस्टार्ट का ऑप्शन रखना है आपको उस बटन पे यहां पे टैप करना है, और यहां पे आपको नीचे आना है, आपको मिलेगा यहां पे रिस्टार्ट का ऑप्शन, ये रहा रिस्टार्ट, आप यहां पे देख सकते हो, आपको इस पे टैप करना है और इसे चूज करना है, और फिर आपको यहां पे करना है डन। इसके बाद यहां पे रिस्टार्ट आ चुका है। अब जैसे आप यहां पे देखोगे ये रहा असिस्टिव टच, ठीक है। अब जैसे आप इस पे टैप करोगे आपको यहां पे मिलेगा रिस्टार्ट का ऑप्शन, और जैसे आप इस पे टैप करोगे आपका फोन यहां पे रिस्टार्ट हो जाएगा, आप यहां पे देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आईफोन को स्विच ऑन, स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको और कई सारे हिडन फीचर्स जानने हुए आईफोन के बारे में तो आप बने रहिए चैनल पे, कई सारे वीडियोस आने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।